नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे भी सीयूटी पीजी का फॉर्म भरने वाले हैं 2023 में, जिनका सपना है कि वो सीयूटी पीजी के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में अपना मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट करें, तो ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा और जितने पॉइंट्स बता रहा हूं अपने इस माइंड में रखिएगा। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सीयूटी पीजी का जो फॉर्म है वो एक महीने के लिए आपके पास अवेलेबल हो चुका है। आप उस फॉर्म को आने वाले 10 से 15 दिनों में भर दीजिएगा। जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 19 अप्रैल तक, उसके बाद बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन श्योर नहीं है। दूसरी बात आती है कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। जो बच्चे भी अपना यूजी कंप्लीट कर चुके हैं और जो बच्चे अभी यूजी अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, इट मींस कि अपियरिंग और जो टारगेट वाले हैं जिन्होंने अपना यूजी कंप्लीट कर लिया, ये दोनों बच्चे जो हैं वो अपना मास्टर्स में फॉर्म भर सकते हैं। जिनका 2 साल या 3 साल गैप है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसका एलिजिबिलिटी क्या कहता है, उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या कहता है, इस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग प्लीज अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म भरें। अब बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका पैटर्न क्या है, तो ये इस एक वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स पे वीडियोस लाऊंगा, आपको उसको देखना है। और इस वीडियो में ही मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि बीएचयू पाठशाला पे कोर्स रन कर रहा है जिसमें आपका एमए संस्कृत है, एमए फिलोसफी है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए हिस्ट्री है, एलएलबी 3 ईयर है, बीएड ह्यूमैनिटीज है। ये सभी कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप लोग उस कोर्स को देखें, डेमो लें और उसके बाद ज्वाइन करें और अपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उन तमाम सिलेबस जो ऑफिशियल रिकमेंडेड सिलेबस है उसकी पूरी जो है वो आप प्रिपरेशन कर सको। सो प्लीज आगे जो पॉइंट्स मैं समझा रहा हूँ वो है थोड़ा सा रिलेटेड टू पेपर पैटर्न। देखो, आपको ये ध्यान देना है कि जो सीयूटी पीजी का पेपर पैटर्न है वहां पे आता है आपके 100 questions, ठीक है। लगभग कोर्सेज में थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बीएचयू में आना चाहते हो तो यहाँ पे स्पेशल कोर्स का स्पेशल कोड बनाया गया है, लेकिन आप वही मान लो कि मास कम्युनिकेशन करना है दूसरे यूनिवर्सिटी से बीएचयू को छोड़ के, तो उनका कोड अलग है। तो इस कोड को भी देखिएगा कि किस कोर्स में जा रहे हो और उस कोर्स का कोड क्या है, ठीक है। अब मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊं तो जो जनरलाइज पेपर पैटर्न है इनका वो है 100 में से 25 क्वेश्चन पार्ट ए और 75 क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी। ध्यान से सुनिएगा, यानी 100 में से 25 क्वेश्चन आपके पार्ट ए से आएंगे और 100 में से 75 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन से आएंगे, ठीक है। और ये डोमेन क्या है, जैसे कि आप एमए हिस्ट्री करना चाहते हो तो 75 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे, 25 क्वेश्चन कहां से आएंगे, वो कॉमन एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएंगे लाइक बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, जीके जीएस, थोड़ी सी इंग्लिश, ये तमाम चीजें से बनेगा 25 क्वेश्चन। लेकिन जो सेट ऑफ 75 क्वेश्चन होगा वो आपका टोटली यूजी के सिलेबस से होगा या रिकमेंडेड बाई एनटीए जो ऑफिशियल सिलेबस होगा आपके डोमेन का वहां से होगा। ये ऑफिशियल सिलेबस के जो लेक्चर है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है, आपके बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बनाई गई है, अच्छी चीजों को पढ़ाया गया, आप उसको देखो और अपना ऑफिशियल सिलेबस जो है वो कंप्लीट करो लिमिटेड टाइम में और बहुत ही नॉमिनल फी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत नॉमिनल फी में विथ स्टडी मटेरियल्स और प्रॉपर गाइडेंस चीजों को समझिए और बीएचयू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करें। मुस्कुराते रहे, कोई डाउट है तो आप कॉमेंट्स करिएगा, अदरवाइज जहाँ पे कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, जस्ट व्हाट्सअप करिए, कॉलिंग का टाइम फिक्स करिए, कॉल करिए और बातें करिए, अपने कोर्स के बारे में समझिए और मुस्कुराते रहे, बीएचयू पाठशाला देखते रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। सो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने जूनियर्स को बताइएगा कि हमारे यहाँ यूजी के भी कोर्सेज रन कर रहे हैं, बीए हो गया, बीए एलएलबी हो गया, इन सभी कोर्सेज में हमें हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हर हर महादेव। बहुत सारी शुभकामनाएं।